फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दिलीप शर्मा आपको अपने चैनल शेखावाटी गार्डनिंग पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बड़े खूबसूरत से प्लांट सुदर्शन के बारे में बातचीत करेंगे कि कैसे इसकी केयर कर सकते हैं, कैसे इसको हरा भरा रख सकते हैं। ये समर्स का पेरिनियल प्लांट है, समर्स में इसके ग्रोइंग सीजन है और इस सुदर्शन प्लांट की मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। इस प्लांट को कैसे हम ज़मीन में कैसी भी मिट्टी में सोयल लगा सकते हैं, पर गमले में लगाना चाहते हैं ज़मीन में कैसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं, कैसी भी सोयल हो उसमें लग जाता है ये अच्छी तरीके से। पर गमले में लगा रहे हैं तो वेल्डिंग पोटिंग सोयल तैयार करेंगे। वेल्डिंग पोटिंग सोयल के लिए 1/3 गार्डन की टॉप सोयल, 1/3 सैंड, 1/3 कंपोस्ट ले सकते हैं। कंपोस्ट में काउ डंग मैन्योर, किचन वेस्ट कंपोस्ट, गोट मैन्योर, जो भी आपके पास मैन्योर हो वो ले सकते हैं। और 1 चम्मच फंजीसाइड साफ, बेवस्टीन, मेनकोजेब, सिनेमन पाउडर ये ले सकते हैं। और एक मुट्ठी नीम की खली ये लेके वेल्डिंग पोटिंग सोयल बना लेंगे। पानी इस प्लांट को कैसा चाहिए? पानी इस प्लांट को मिट्टी इसकी मॉइस्ट रहनी चाहिए और टॉप सोयल सूखने पर ही पानी दे। ये ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है, कम पानी भी बर्दाश्त कर लेता है। 1-2 दिन पानी देना भूल भी जाए तो भी ये इस प्लांट को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। सनलाइट, फुल सनलाइट में ये अच्छा ग्रो करता है, सेमी शेड में भी अच्छा ग्रो करता है। फुल सनलाइट में क्या होता है कि इसकी पत्तियां मई जून में इसकी पत्तियां बर्न होने लग जाती है, जैसे मेरे इस प्लांट की पत्तियां बर्न है, तो आप इसकी टिप्स को काट सकते हैं। टिप्स को काटने से क्या होगा कि आपकी प्लांट की ब्यूटी और ज़्यादा आ जाएगी। केयर इस प्लांट को कैसे कर सकते हैं? प्रोपगेशन इस प्लांट की करना बहुत ईजी है। रूट सेक्शन को डिवाइड करके अलग अलग करके लगा सकते हैं। केयर कैसे कर सकते हैं? सुदर्शन प्लांट एक हार्डी प्लांट है, बिगनर्स के लिए बहुत ईजी प्लांट है और ये बहुत अच्छा प्लांट है एंड रफ एंड टफ प्लांट है और हार्डी प्लांट है। सुदर्शन प्लांट समर्स का पेरिनियल प्लांट है, ये पूरा साल चलता रहता है। विंटर्स में ये डोरमेंसी में चला जाता है। विंटर्स में आप इसे फ्रॉस्ट से बचा सकते हैं। सुदर्शन प्लांट को फरवरी और सितंबर में अच्छी तरीके से खाद दे। 100-200 ग्राम गोट मैन्योर, जो भी आपके पास मैन्योर हो वो दे अच्छी तरीके से। जब इसकी ग्रोइंग सीजन में इसे लिक्विड मैन्योर भी दे सकते हैं। लिक्विड मैन्योर में 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या जो भी मैन्योर हो वो रात भर भिगो दे। वो पानी इस प्लांट को 100-200 ml पानी इस प्लांट को दे सकते हैं अगर आप ऑर्गेनिक रहना चाहते हो। अगर आप केमिकल के थ्रू जाना चाहते हो तो 1 चम्मच DAP और 1 चम्मच NPK दोनों को डिजोल्व करके 1 लीटर में रात भर पड़ा रहने दे और वो पानी इस प्लांट को दे दे। जब आप केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाह रहे हो तब आपकी मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए, नहीं आपकी रूट्स बर्न हो जाएगी। सुदर्शन प्लांट एंटीफंगल प्रॉपर्टीज भी हैं, मेडिसिनल वैल्यू भी है और एंटीफंगल भी है और एंटीफंगल प्रॉपर्टी है। इसमें एंटीफंगल, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। ये सूजन, दर्द, कान में दर्द, कई तरीके से मेडिसिनल यूज लिया जाता है। सुदर्शन प्लांट की पत्तियां टॉक्सिक नहीं होती पर इसकी रूट्स टॉक्सिक होती है। सुदर्शन प्लांट वाइट कलर का सुंदर सा फ्लावर आता है जिसमें स्वीट फ्रेग्रेंस होती है और वो एकदम अचानक से ही आता है और वो मैच्योर प्लांट में ही फ्लावर आता है, अनमैच्योर प्लांट में फ्लावर नहीं आता। सुदर्शन प्लांट को प्रोपोगेशन इसके बेबी प्लांट निकलते रहते हैं नीचे से, उनसे अलग कर सकते हैं। सॉरी, फंगस होने पे क्या करें इस प्लांट में? फंगस होने पे 1 चम्मच नीम ऑयल और 1 चम्मच लिक्विड डिश वॉश और 1 लीटर वार्म वाटर में डिजोल्व करके वो पानी इस पे स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट में फंगस है तो 1-2 दिन में करें, अगर फंगस नहीं है तो प्रिकॉशनली आप 15-20 दिन में या महीने में एक बार भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बाय।